हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज़ आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बीएससी फर्स्ट ईयर सैम्पल पेपर 2022 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट वन। इस हमारे जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो आपको पता है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का, कि 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 14 टोटल मार्क्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 20 मार्क्स टोटल, 50 मार्क्स का मैक्सिमम मार्किंग का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर ये सेक्शन सी है जिसमें से आपको 8 में से 5 चॉइस मिल रही है, बाकी आपको सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य है, सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो जो वीडियो मैं आपके पर्पस से बना रहा हूँ, जिस पर्पस से, वो पर्पस मेरा ये है कि आप लोगों के सभी क्वेश्चंस लग जाएं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, और सिर्फ ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो है ही, ऑलमोस्ट लगभग अभी जो फर्स्ट पेपर हुआ है वो फर्स्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस लगभग लग गए थे। और इसमें क्या है बेसिकली कि जो हम ये डिस्कस करेंगे तो हमारा एक एक टॉपिक को समझो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर वाइज पूरे सैंपल पेपर के रिस्पेक्टिव से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बेसिकली क्या है कि आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि जो 1 मार्क्स में मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले या 4 मार्क्स वाले, तो वो आप यहाँ पर समझ लोगे तो उसके बेसिस पर आप और भी क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे, इसलिए टॉपिक भी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। ये मेरे पढ़ाने का एडवांटेज भी है कि आप इस यही क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये मैं चाहता हूँ कि ये लग जाए। तो ये यहाँ से ये मेरे इंट्रोडक्शन है वीडियो का, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो आओ सीखें। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, 16 क्वेश्चन आने, अभी यहाँ पर 10 के लिए स्पेस है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 10th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में मैं इसे रेज करता रहूँगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ, साथ साथ कवर करते रहो। तो प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन इज, फिर ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है आपको कि ये है एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ये लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसने ज़िंदगी से जाना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है किसी का ज़िंदगी में आना और किसी का ज़िंदगी से चला जाना। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने के लिए आएगा और ये इसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो किसी का ज़िंदगी में आना और किसी का ज़िंदगी से चला जाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर वो आना और जाना निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है, निगेटिव वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाले, न्यूक्लियस प्लस फाइल, फाइल मतलब मोहब्बत, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल का, तो वो टॉपिक भी कवर हो रहे हैं साथ साथ। तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक्स जब निकलेगा, ये एक्स निगेटिव की फॉर्मेट में निकलेगा, तो निगेटिव वाला न्यूक्लियस को चाहने वाला कौन होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वाले सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, फाइनली आपका होगा क्या, इस रिएक्शन में आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप के पीछे से अटैक करता है, ये धीरे धीरे अटैक करने आ रहा है और ये धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ साथ चलता है, इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। और फाइनली क्या होता है कि ये ज़िंदगी से चला जाएगा एक्स निगेटिव और RNU बन जाएगा। आपने ध्यान दिया हो तो जिस साइड से ये था उसके अपोजिट साइड से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है SN2 रिएक्शन का वो होता है आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, उल्टी तरीके से होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट बनता है। हमारे क्वेश्चन का जवाब था SN2 का प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, द आंसर इज कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका आंसर है। SN1 का प्रोडक्ट जो होता है वो रेसिपी मिक्सचर होता है। मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, देखो आओ सीखें। ये माना हेलो एल्केन CH3Cl है, और इस CH3Cl को मैं खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 sp1 p2 p3, ऐसे देखते हैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। ये है C जहाँ मैंने पकड़ा है, ये H और ये H और ये Cl है, ये Cl है, और अटैक करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने के लिए आ रहा है पीछे से। जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो बीच में ये 5 बॉन्ड बनेंगे जिससे TBP ज्योमेट्री फॉर्म होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये जुड़ जाएगा और ये लीव कर जाएगा,
और जब यहाँ से अटैक कर गया होगा न्यूक्लियोफाइल तो ये आपका पलट जाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, इसलिए इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी आप इस 10th नंबर के क्वेश्चन को कर चुके हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि बाकियों को भी एक्सप्लेन कर सकूँ, साथ साथ कॉपी पेन पकड़ के करते रहें या स्क्रीनशॉट से बाद में पढ़ते रहें, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको बेटर लगे। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, 9th वाले को मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि मुझे इस पूरे टॉपिक को कवर करना है, RS वाले को। तो एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये आपकी हेलो एल्केन वाले चैप्टर से ही है। तो एल्काइल हैलाइड Na से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? तो आपके पास ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वेल नोन रिएक्शन है इस चैप्टर की। तो एल्काइल हैलाइड के एक्चुअली में दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, उसने आपको एक ही लिखा है, आपको खुद से सोचना है कि यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, 2NaX और दो सोडियम एटम लेने हैं, और ये होती है रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर नहीं है, शुष्क ईथर है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से एक Na और X मतलब कौन है, हेलोजन, NaCl 2NaCl, कोई भी हेलोजन, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, जनरली क्लोरिन और ब्रोमिन, 2NaCl बाहर हो गया, और R सिंगल बॉन्ड R, R होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब क्या होता है CnH2n+1, N की जगह 1 लगाओगे तो CH3, C2H5, C3H7, ये सब एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो अगर ये भी CH3 और ये भी CH3 लिया होता आपने तो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ भी CH3 और ये भी CH3 लेते तो ईथेन बन जाता है। जनरली क्या फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता है। तो आपका प्रोडक्ट पूछ रहा था, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका RR, या आप क्या लिख सकते हो उसको, एल्केन भी कह सकते हो। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो आपका 8th नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, 9th नंबर के क्वेश्चन को मैं अलग से समझाऊंगा आपको, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। 8th नंबर का जो आंसर था वो क्या हो गया आपके लिए, एल्केन। 7th नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं, IUPAC भी मैंने 3 वीडियोज़ बनाई है, उस वीडियो को जा करके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा IUPAC का स्पेशली, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पढ़ने से पहले ही सबसे पहले IUPAC की 3 वीडियो कवर कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। ये है फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 चीज़ों से बना होता है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी सफिक्स, बीच के बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। तीसरी चीज़ आती है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप। चौथी चीज़ आती है प्रीफिक्स। तो नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम, फिर सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब प्री मतलब पहले, अगर प्रेजेंट होगा तो उसका नाम पहले लगा देंगे। तो फिलहाल ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, COOR ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों ही ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। 1, 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1, 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1, 2, 3, 4 पे डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड ही है। तो जबकि इधर से डबल बॉन्ड, जब डबल ट्रिपल सेम पोजिशन पे आते हैं, यहाँ से तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे डबल और ट्रिपल सेम पे आते तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करते हैं, इसीलिए काउंटिंग यहाँ से करी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम काउंटिंग कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से। तो ये 11 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हमने काउंटिंग कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अच्छा दूसरा यहाँ पे ये तो बड़ा कार्बन वाला था, यहाँ एक ही कार्बन है, तो काउंटिंग इसको देख के नहीं करी गई है, ये तो प्रीफिक्स है, काउंटिंग डबल बॉन्ड को देख करके करी गई है, क्योंकि प्रीफिक्स सबसे छोटे बच्चे, उससे बड़े प्राइमरी सफिक्स, उससे बड़े सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़े होते हैं। तो ईस्टर का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 11 के लिए आता है अनडेक, वर्ड रूट का नाम आ गया। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, बीच के बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो 4 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए ई पहले लिखते हैं। फिर क्या क्या आ रहा है, 2, 7, 9 और आयन, ट्रिपल बॉन्ड ट्राई आयन, और 1, 11, 8, तो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर के लिए लगता है सफिक्स ओएट, इसलिए ओएट आया, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। एक्चुअली में ये जो होते हैं ईस्टर में, ये प्रीफिक्स होते हैं, तो इनके नाम भी पहले आते हैं। 1 पे इथाइल वाला है, 2 कार्बन वाला, और 11 पे क्या है, मिथाइल, तो 1 इथाइल 11 मिथाइल, अनडेक जो भी नाम है वो इसका IUPAC नेम है। तो IUPAC के लिए एक एग्जांपल से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अगर इसको सीखना है तो 3 वीडियो जा करके देखो शुरू से, तो कुछ बातें समझ में आएगी अच्छे से। पॉज करके फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ काम भी करते रहें।
मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आपको समझ में आ पाए धीरे धीरे। ऑक्टेट कम्प्लीशन इज़ नेसेसरी फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन और फाइल। फाइल मतलब होता है मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव से कौन मोहब्बत करेगा? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं होगा। वो कह रहा है कि ऑक्टेट कम्प्लीशन ज़रूरी है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल में कभी भी ऑक्टेट कम्प्लीट ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉनों को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं। तो ये बात जो बोली है इसने फॉल्स। साइक्लोप्रोपेन इज़ अनस्टेबल ड्यू टू, देखो साइक्लोप्रोपेन है आपका, ये ऐसे ही चलता है आपका साइक्लोब्यूटेन, ऐसे ही चलता है आपका साइक्लोपेंटेन, ऐसे ही बना सकते हो साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन। इनके बीच का, इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? एक, दो, और एक्चुअली ये एच बी ऐसे होंगे, चार सिग्मा बॉन्ड है। फिर से हाइब्रिडाइजेशन, एस पी वन पी टू पी थ्री, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्योमेट्री एस पी थ्री में टेट्राहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल होता है 109 degree 28 minute। लेकिन अगर मैं इस साइक्लोप्रोपेन की बात करूँ तो बॉन्ड एंगल 60 60 और 60 का आता है, जबकि बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 109 degree 28 minute। तो करीब 49 degree का डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच। तो एक्चुअली में होना तो इसको ये चाहिए था, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण इनका बॉन्ड एंगल 60 आता है, जो कि अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं अटेन कर पाता। और क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो इसी वजह से ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग रहती है वो अनस्टेबल रहती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इनका डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 90 होता है, जबकि sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल 109 degree 28 minute यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री का है, तो गैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ जाता है। उस डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एंगल कितना होना चाहिए, माइनस है कितना, डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है आपका, जो कि यहाँ से डिवाइड करोगे तो 49 degree 28 minute आएगा अपॉन 2। तो 49 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 1 degree इसको दे देंगे 60 मिनट, तो ये बन जाएगा आपका 48 degree 88 minute डिवाइडेड बाई 2, जो कि 24 degree 44 minute आपको आंसर देगा। तो 44 degree 28 minute आपको जो ये आंसर, 24 degree 44 minute आपको ये जो आंसर दे रहा है, ये आया है डेविएशन। इसे अल्फा से भी प्रेजेंट कर लेते हैं, इतना डेविएट कर रहा है ये, और इतना डेविएशन के कारण स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो ये सब बातें समझाई थी बेयर नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसे स्ट्रेन हो गया इनके बीच में, होना तो इतना चाहिए था, इतना एंगल आ रहा है। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रेन फील करते हैं और स्टेबल नहीं होते। ये तो इसके बीच में तो 108 डिग्री का आता है साइक्लोपेंटेन में, तो ये 109 के आसपास ही होता है। तो सबसे कम डेविएशन इसमें आता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन रिंग ही मानी जाती है। तो ये जब सब बातें समझाई थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने, तो आपका आंसर है कि यह अनस्टेबल है ड्यू टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो हमने एक टॉपिक यहाँ पे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बेयर स्ट्रेन थ्योरी को भी कवर किया है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। AlCl3 में एल्यूमिनियम का 13 होता है, 283, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली इसके आउटर मोस्ट में भी 6 आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं CH4 के, 1 2 3 4, और HH के इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करेगा, तो इसके ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस पे फालतू के इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और फालतू के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 2 और 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो वैलेंसी होती है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 ही चाहिए होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर पे लगे रहते हैं, जिसे लोन पेयर कहते हैं। और जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? NH3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीसीज ऑब्टेन्ड बाय होमोलिटिक फिजन।
अब क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है, यहाँ कोवेलेंट ही चलता है, यहाँ पे आयनिक कोऑर्डिनेशन इस तरीके के बॉन्डिंग बेसिकली नहीं चलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो तरीके से तोड़े जा सकते हैं, एक तो इस तरीके से कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और दोनों पर इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आ जाए, एक तरीका ये है, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिकल फिजन या होमोलिटिक फिजन समविखंडन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दूसरा होता है इस तरीके का कि इस तरीके से बॉन्ड टूटे कि आपके पास एक ने पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक ने दे दिए, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, तो ये कार्बोकेटायन या कार्बेनायन बन सकते हैं। तो हेटरोलिटिक फिजन से कार्बोकेटायन या कार्बेनायन वाली स्पीसीज बनती है, जबकि होमोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं, इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। तो आपका क्वेश्चन क्या था, होमोलिटिक फिजन से कौन सी स्पीसीज ऑब्टेन होती है, तो करेक्ट आंसर इज फ्री रेडिकल। अगर हेटरोलिटिक फिजन से पूछा होता तो हेटरोलिटिक फिजन से आपका आंसर हो जाता कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3Cl है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण ऐसे टूटेगा, ये कार्बन आयन नहीं है क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, कार्बन पे नेगेटिव नहीं है लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होता CH3Li, तो ये मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कार्बन पे आता नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव आया है तो ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा, काई का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बोकेटायन और कार्बेनायन, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन बनते हैं, ऐसा नहीं है, या तो कार्बोकेटायन बन सकते हैं या कार्बेनायन बन सकते हैं, डिपेंड करता है वो किससे कनेक्टेड है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, साथ साथ कॉपी पेन पकड़ के भी चल सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब तो स्पेस ही स्पेस हमारे पास। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन रिंग, देखो कार्बन बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी जरूर ध्यान देना। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है C6H6, सबको पता होगा, इतना तो आता ही होगा, बेंजीन बहन के बारे में पता ही होगा। एक्चुअली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, पाई, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो sp2 है तो बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ। ये इसकी कहानी है, 1.54 भी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये आप डेटा याद भी रख लेना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। लेकिन बेंजीन रिंग में ये बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, एक्चुअली में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पॉलिंग ने कहा था कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में सिग्मा पाई बॉन्ड लगे होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड की पोजीशंस कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो अपनी पोजीशंस को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और चेंज करने के कारण डिलोकलाइजेशन, अस्थिरता के कारण वो डिलोकलाइज करते रहेंगे, तो ये सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी बन जाएगी। इसलिए आप इसे ऐसे नहीं दिखा करके कैसे दिखाते हो, रिंग से दिखाते हो और ऐसे शो करते हो कि रिंग से डिलोकलाइज हो रहे हैं, सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसी है हो जाती है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है बेंजीन रिंग में वो आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद रखोगे कि बेंजीन रिंग में ना तो ये होता है आंसर, ना ये होता है, द करेक्ट आंसर इज दिस। अब आया हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन। देखो हाइब्रिडाइजेशन ट्रिकी वे में ही समझ लो और दिमाग में बिठा लो। जनरली क्या होता है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो जनरली एस, चार सिग्मा बॉन्ड है, चार उंगली खड़ी कर लो, sp1 p2 p3, तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, 1 2 3 तीन sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। और अगर कभी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक सिग्मा दो पाई, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दो ही सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, ये जनरल कहानियाँ हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि ए कार्बन, बी कार्बन, सी कार्बन और डी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तीन एच से एक्चुअली ऐसे जुड़ा होगा, एक ऐसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH से, खोल के दिखाऊँ तो, फिर ऐसे ही डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड
सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, सिंगल बॉन्ड वाला है sp3, डबल बॉन्ड वाला है sp2। ये अभी बताता हूँ इसको, डबल बॉन्ड वाला है sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाला है sp, ट्रिपल बॉन्ड वाला है sp, एक दो दो सिग्मा है sp। अभी इस वाले केस को देखो, इसको एलीन्स कहते हैं जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूस चलती हैं, या डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली चलती हैं तो उन्हें क्यूमुलेटिव एल्कीन्स या एलियंस कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो ही सिग्मा बॉन्ड है, ये तो पाई के बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, sp2 नहीं आता है। जबकि बच्चों को कुछ याद रहता है कि डबल बॉन्ड वाले हमेशा sp2 होते हैं, कोई ट्रिक से बता दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एलियंस के केस में ऐसा नहीं चलता है, तो ये स्पेशल बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है स्पेशली, तो आप स्पेशली इसको ध्यान रख लेंगे। अब क्वेश्चन है RS नोमेनक्लेचर से, इस RS नोमेनक्लेचर को मुझे पूरा ही टॉपिक समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी रोक के रखा था इस टॉपिक को, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ, फिर मैं आगे बता देता हूँ। RS नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको सबसे पहले, आप RS नोमेनक्लेचर दो टाइप के रिप्रेजेंटेशंस में कर सकते हैं। RS नोमेनक्लेचर हम दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, एक तो वेज में और दूसरा है हमारे पास फिशर। अभी ये रिप्रेजेंटेशन वेज रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें डार्क और डॉटेड लाइन चलती है। तो चलो पहले मैं इसी को ही समझा देता हूँ, इसको भी क्या समझाना, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास तीन केस बनने हैं, एच सी एल बी आर और आई, इसको बताऊँगा लास्ट में बता दूँगा इसको, अभी यहाँ समझो। सबसे पहले RS नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको जो एलिमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, जो भी एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप लगे हुए होंगे, उनको आपने एटमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर देना है। जिसका एटमिक नंबर सबसे बड़ा वो फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे इसका 53 होता है, इसका 35, इसका 17 और इसका 1 एटमिक नंबर होता है। आपको एटमिक नंबर तो याद नहीं होंगे, लेकिन इतना पता होगा कि आयोडीन सबसे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है सॉरी। तो 1, 2, 3, 4 कैसे चल रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने पर एंटी क्लॉक वाइज, और जब एंटी क्लॉक वाइज चीज़ें चलती हैं तो उसे कहते हैं सिनिस्टर एस, और अगर क्लॉक वाइज चलती तो आर। लेकिन ये पहला केस है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, बिलो द प्लेन है। जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो आर, अगर ऐसे चल रहा होगा तो आर, ऐसे चल रहा होगा तो एस। इसी में मैं आपको एक दूसरा केस समझा देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर अबव द प्लेन है, जैसे सी एल बी आर आई और एफ, अब यहाँ पे आपको प्रायोरिटी अरेंज करनी है। तो ये एटमिक नंबर के बेसिस पे 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे 4, एक्चुअली 4 को देखना भी नहीं है, ऐसे ऐसे चलते समय आप कैसे चल रहे हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फोर पे को काउंट नहीं करते, बस ये अबव बिलो चेक करने के लिए। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे चल रहे हो आप एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉक वाइज को मैंने क्या कहा था, एस कहते हैं। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सेकंड केस है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर अबव द प्लेन आता है तो एस का आर और आर का एस हो जाता है। फिलहाल एस आ रहा था तो हम इसको क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे, केस वन। केस टू, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, केस थर्ड, आपके पास लिखा है यहाँ पर क्या क्या है उसे देख लेते हैं। सी एल सी ओ हो एच सी एच थ्री और यहाँ पर क्या है एच। अब देखो इसमें इसका एटमिक नंबर होता है 17, इसका होता है 6, इसका इस कार्बन का भी होता है 6 और इस एच का तो एटमिक नंबर 1 होता है। तो आपको 17 एटमिक नंबर सबसे बड़ा है पहली प्रायोरिटी। अब ये भी 6 एटमिक नंबर वाला और ये भी 6 एटमिक नंबर, अब आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे 2 इसको मानूँ या इसको मानूँ। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में उस कार्बन से लगे हुए नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं क्या लगे हुए हैं। एक ओ लगा हुआ है, दूसरा बॉन्ड भी ओ से ही है और तीसरा बॉन्ड भी ओ से है। तो ओ ओ ओ 8, 8, 16, 8, 3, 8, 3, 24 और इसको देखें तो ये किससे जुड़ा है, एच 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 1, 1, 1 3 एटमिक नंबर आ रहा है। अब ये मत सोचना कि ये तो 17 से भी बड़ा हो रहा है, वो अलग चीज़ है। जब एटमिक नंबर ये है उससे लगे हुए नेक्स्ट ग्रुप देख रहे हैं तो ओ ओ ओ आ रहा है, एच 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 आ रहा है, तो ये बड़ा प्रायोरिटी है। तो ये सेकेंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ गया आपका, ऑन अ प्लेन। पहले बिलो द प्लेन आया था, फिर अबव द प्लेन आया, फिर ऑन अ प्लेन।
तो ऑन अ प्लेन पर, जब प्लेन पर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आता है, तो ऐसे वालों को डबल इंटरचेंज मेथड से करते हैं। तो ऐसे वालों के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ ध्यान से समझो, इसके लिए आपको डबल इंटरचेंज करना है। ये जो थ्री यहाँ था उसको यहाँ पहुँचा देंगे, वन जो यहाँ था वो यहाँ पहुँचा देंगे, फोर जो था वो यहाँ पहुँचा देंगे, और टू वाला यहाँ पहुँचा देंगे। तो वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, कैसे चल रहा है? अब ये केस टू बन चुका है, ध्यान दो तो, आप ये केस टू बन चुका है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अब द प्लेन आ चुका है। तो वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए एस कहना चाहिए, लेकिन एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अभी तक हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन समझा चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आर एस नॉमेनक्लेचर। तो अभी आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं और क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेता हूँ 16। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ जाते हैं। आपके सामने मैंने और क्वेश्चंस लिख लिए, तो अभी हम एक एक करके और डिफाइन कर लेते हैं क्वेश्चंस को, आओ सीखें। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 16 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। एथाइन है, एथाइन का रिडक्शन किया, H2 से रिएक्शन कराया, रिडक्शन कहते हैं, एल्किन बन गया। क्या हुआ होगा? बॉन्ड टूटा होगा, एक एच इसको और एक एच इसको मिल गया होगा, एल्किन बन गया होगा। लेकिन जब भी एल्काइन का रिडक्शन करते हैं तो रिएक्शन डायरेक्ट एल्केन बनाती है, एल्किन पे स्टॉप नहीं होती। लेकिन अगर आपको एल्काइन से एल्किन पर स्टॉप करानी हो तो आपको कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है, यही आपका सवाल था। तो पैलेडियम स्लैश बेरियम सल्फेट, ये कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो तो एल्काइन से सिर्फ एल्कीन फॉर्म होते हैं, वो एल्केन में फर्दर कन्वर्ट नहीं होती। अगर यहाँ निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम ही होता तो ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाता, सी एस दो एच इसको मिलते, दो एच इसको मिलते, टू एच टू लेना होता और सी एस थ्री, सी एस थ्री इथेन बन जाता। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसकी रिएक्शन आप अगर एक्वस केओएच से कराते हो तो बीआर हटता है और ओएच जुड़ जाता है। तो किसी का ज़िंदगी से जाना और किसी का ज़िंदगी में आना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पर जो रिएजेंट है वो एल्कोहलिक मीडियम में है, तो एल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, जिसमें एडिशन में डबल ट्रिपल वाले टूट के सिंगल में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले डबल ट्रिपल में कन्वर्ट होते हैं। तो कैसे होंगे, यहाँ से आपका के बी आर बाहर हो जाएगा, जैसे यहाँ से बी आर निकलेगा पड़ोस वाले से एच निकलता है, तो एच और ओ एच क्या भी बाहर हो जाएगा आपके पास, H2O और CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बी आर जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी और यहाँ से एच जाने से इसकी एक वैलेंसी, तो डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे। तो एथीन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दूँ, वैसे तो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन भी है पर फिर भी आप यहाँ पे भी समझ लो। अगर इसने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिखा होता तो आपको पता है, एक तो KBr निकालते हो आप और एक जगह से H और एक जगह से OH, तो OH वहाँ से निकालते हैं जहाँ पहले से ही कम होते हैं, यहाँ तीन है, यहाँ से भी H निकल सकता था पड़ोस वाले से और यहाँ से भी, तो उस साइड से निकालोगे जहाँ कार्बन कम होंगे, इसे कहते हैं सेडजेफ रूल। तो H और OH, H2O बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूट टू इन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आपने BR यहाँ से निकाला और H यहाँ से निकाला होता तो ब्यूट वन इन बनता, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से होगा, ये वाला, वहाँ से निकालते हैं जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन कम होते हैं, इस साइड से निकालेंगे, ब्यूट टू इन फॉर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो यहीं हो गया था, मैंने आपको एक चीज़ और बता दी। और इस रूल को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन के लिए सेडजेफ या डबल एफ, सेडजेफ रूल कहते हैं। नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन फॉर्म, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स कितनी बनेगी, जो ये फ्री रेडिकल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पड़ोस वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। देखो इसमें तीन ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, sp1 p2 है, पड़ोस वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये, एक ये और तीन एच के साथ, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इस पर जो हाइड्रोजन लगी होती है इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको कितनी दिखाई दे रही है, तीन, फ्री रेडिकल से जुड़े कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन तीन है, उससे एक ज़्यादा 3+1 फोर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनाए गए। हाइपर कॉन्जुगेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़े मार्क्स में पूछा जाएगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ये क्या है, देखो आप ये फॉर्म से ये फॉर्म,
इसने एक्चुअली क्या किया है, HOS तो ऐसा ही है, पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन ये इससे तभी बन सकता है जब आप इसके हाथ पांव तोड़ो और ऐसे लगा दो, H निकाला OH निकाला और ऐसे यहाँ फिट कर दिया, तो ये तभी बनेगा। तो जब बॉन्ड तोड़ के दूसरा फॉर्म बनता है तो उसे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बनते हैं, और सिंपली घुमा के बनता है बिना बॉन्ड तोड़े तो उसे कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इस फॉर्म से ये फॉर्म आप बिना हाथ पांव तोड़े नहीं बना सकते, इसलिए ये एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। और ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और मिरर इमेज नहीं है। तो डाई स्टीरियो आइसोमर भी होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें इनेंशोमर, और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, OH के सामने OH और H के सामने H तो दिख रहा है, OH के सामने H नहीं दिख रहा, तो ये एक दूसरे के इनेंशोमर नहीं है। तो क्या है ये आपके मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या है, डाई स्टीरियो आइसोमर है। इस बात को स्पेशली ध्यान रख लोगे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें 14 15 16 13 नंबर तक के क्वेश्चन का, फिर हम एक बड़े टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। हमारे ये बड़े मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर हो रही हैं सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखते रहें। देखो जब भी आपके पास ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स बताओ, कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। तो इधर एनर्जी देख रहे हैं, इधर रिएक्शन, तो जितने ये पीक्स होती हैं किसी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए वो नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ स्टेप्स 5। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं आपके, ये होते हैं ये, आप ये मत कहना कि ये और ये भी हैं, ये तो रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो 1 2 3 4 कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, 4। ट्रांजिशन स्टेट ये वाली जो पीक की सबसे ऊपर हाइट होती है वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट आती है, जनरली नंबर ऑफ स्टेप्स ही ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, 1 2 3 4 5, तो ट्रांजिशन स्टेट्स 5 हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन SN1 और SN2 के लिए आता है। SN1 दो स्टेप में होती है, पहला स्टेप स्लो होता है इसलिए ग्राफ ऊपर, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है इसलिए जल्दी से उछल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्लो है, बहुत उछल के जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी, तो ये SN2 का ग्राफ है। SN1 का ग्राफ एक ही ये SN1 का है दो स्टेप में, और ये SN2 का है वन स्टेप प्रोसेस है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। इसमें अगर पूछे कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, तो ये फिफ्थ वाला स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, सबसे ऊंची हाइट वाला सबसे ये सबसे फास्टेस्ट स्टेप है, क्योंकि इसे बस इतना सा उछल के प्रोडक्ट में बदल जाएगा, छोटी सी हाइट है, और इसको बदलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो आप बता सकते हो थर्ड वाला स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, सबसे फास्टेस्ट है। आप इन्हें अरेंज भी कर सकते हो, कौन स्लो है कौन फास्ट है, उस बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद 2 मार्क्स वाले के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सिस और ट्रांस ई और जेड नोमेनक्लेचर। सबसे पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है। उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पर कुछ ग्रुप लगे हैं और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप होंगे तो आपका आंसर ये होगा, कुछ भी पूछ ले वो, हमें नहीं पता। जब वो आपसे सिस ट्रांस या इजेड नोमेनक्लेचर बोले तो हमारा आंसर होगा हमें नहीं पता, तो ही कर ले, यही लिख के आ जाना। दूसरा क्या है आपके पास, अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप होने चाहिए, जैसे अलग अलग कार्बन पर दो सेम ग्रुप दिख रहे हैं, ये तो नहीं है लेकिन दो एटलीस्ट सेम ग्रुप हैं। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस। इस वाले में आपका दो सेम ग्रुप ही नहीं है अलग अलग कार्बन पर, तो इसमें तो सिस ट्रांस तो नहीं कर पाएंगे हम, सिस और ट्रांस हम नहीं बता पाएंगे। इस वाले केस में देखो एक ही कार्बन पर दो, एक ही कार्बन पर दो, हमें नहीं पता, ये वाला ऑप्शन आ गया। इसमें ईजेड कैसे करते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर करने के लिए हम अलग अलग एटम पर जो ये ग्रुप लगे हैं उन पर प्रायोरिटी ऑर्डर लगाते हैं, ये बड़ा एटमिक नंबर वाला है ये 1 ये 2, ये बड़ा एटमिक नंबर वाला ये 1 और 2। अगर हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड होते हैं तो इनको कहते हैं जेड, और यहाँ पर भी प्रायोरिटी करूँ 1 1 2 2 1 1 2 2, तो ये एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप होंगे तो ईजेड भी नहीं कर सकते और सिस ट्रांस भी नहीं कर सकते।
अब आ जाते हैं इस वाले में, सिस्ट्रांस तो नहीं कर पा रहे हम, लेकिन इसमें देखें प्रायोरिटी, ये बड़ा एटमिक नंबर वाला, ओ का एटमिक नंबर कितना होता है 8, तो ये सेकंड प्रायोरिटी वाला। अभी मैंने बताया था COH और CH3 में ये बड़ा और ये छोटा, बड़े बड़े ग्रुप किस साइड है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या बनेगा आपका ई। इसमें सिस्ट्रांस नहीं कर पा रहे, EZ कर पा रहे। कई टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं कि सिस जेड होता है और ट्रांस ई होता है, तो मैं आपको बता दूं कि EZ का सिस ट्रांस से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तो आप सिस ट्रांस कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आप EZ कर पाए हो, तो EZ का सिस ट्रांस से कोई भी लेना देना नहीं है। अलग देखो क्या होता है कि पहली बात तो दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ये दो शर्तें तो ध्यान रखनी है। तीसरी शर्त यह है कि अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप होने चाहिए, अगर वो सेम साइड है तो सिस, अगर ये अपोजिट साइड होते तो ट्रांस हो जाते सिस और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस बन जाता, तो ये तो होता है सिस ट्रांस। और EZ करने के लिए क्या देखते हैं, अलग अलग कार्बन पर जो एक ही कार्बन पर प्रायोरिटी ऑर्डर अगर बड़े बड़े सेम साइड है तो Z, अपोजिट साइड है तो E। एंटीजन जोसेमान, दो साइंटिस्टों ने दिया है, उसके नाम पर बोले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में वीडियो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैं 1 मार्क्स से क्वेश्चन करा चुका हूँ। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ही नहीं, ये आपके 2 और 5, 4 मार्क्स में भी आपका कवर करेगा, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे, जिसमें से आपका एक IUPAC वाली वीडियो लिंक में भेज देंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।